इसमें तो सिर्फ कानूनी किताबें, साक्ष्य जैसा कुछ भी नहीं है। कि मंगल पांडे के खिलाफ लंदन से आया एक लॉयर एविडेंस लेकर बैरकपुर जा रहा है, और वो ऐसा प्रूफ है जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी केस जीत जाएगी और मंगल पांडे को फांसी की सजा मिलेगी। अब समझ में आया, ये सब कुछ सुनियोजित ढंग से रोज को सुनाने के लिए किया गया था। साहिब, आपके आंसू बहुत कीमती है, इन्हें तब तक रोक के रखिए जब तक मैं बाबा साहेब की हत्या का बदला नहीं ले लेता। वो हमें पकड़ने के लिए साक्ष्य का खेल खेल रहा था, और जब उसमें असफल हो गया तो मोट के महाराज पर गोली चला दी। आज नहीं तो कल मोट भी झांसी का शत्रु बन जाएगा, और ये धूर्त फिरंगी यही चाहते हैं। मैं इस सिंहासन पे तब बैठूंगा जब मैं अपने निर्दोष पिता के हत्यारे को ढूंढकर उसे सजा दे दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। रॉन बांकरा एक टेररिस्ट है, और वो अपने फ्रेंड मंगल पांडे को बचाना चाहता है, इसलिए तो वो आपको बैरकपुर नहीं जाने देना चाहता। फिर तो मैं बैरकपुर जरूर जाऊंगा। ये संदेश हमारे गुप्तचरों ने कानपुर कमिश्नरी से प्राप्त किया है। इसमें क्या लिखा है? मंगल पांडे को फांसी का आदेश दे दिया गया है। हमें कल सुबह शीघ्र ही बैरकपुर के लिए निकलना होगा। जो आज्ञा भाई साहब। मंगल पांडे के मरने के बाद भी क्रांति की ज्वाला नहीं बुझेगी, क्योंकि अब ये ज्वाला वीरांगना लक्ष्मी बाई के हाथों में है। हमें भविष्य में उगता हुआ वो सूर्य दिखाई दे रहा है जिसकी किरणें दिल्ली के किले पर लहराते हिंदुस्तानी परचम पर झिलमिला रही है। हमने किंग ऑफ मौत को मारकर आधा काम कर दिया है। किसी तरह रन बांकरा को बेनकाब करके प्रिंस ऑफ मौत को दिखाना है कि रन बांकरा ही क्वीन ऑफ झांसी है, और इस तरह मौत और झांसी आपस में लट कट मारेंगे। ए भीम सिंह भैया, तुम यहाँ? चुप बैठो। भीम सिंह भैया, भीम सिंह भैया। रॉन बांकुरा ने इस अंतराज में अपने आदमी को भेजा है। तुम जरूरत से ज्यादा परेशान हो रहे हो नील सिंह। अगर शिकार खुद जाल में फंस रहा हो तो उसे नजदीक आने के लिए उस जगह से हट जाना चाहिए। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है नेल्सन। हम जेल की बाहरी दीवार तक पहुंच सकते हैं। अंदर जाकर के मंगल पांडे जी को निकाल पाना असंभव है। हम असंभव को संभव बनाना जानते हैं। हमारा उद्देश्य है मंगल पांडे जी को बचाना, और हम उन्हें बचा कर रहेंगे। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारी रणबांकुरा से क्या दुश्मनी है? इज इट पर्सनल? हमारी लड़ाई इन फिरंगियों से व्यक्तिगत नहीं है, हमारी लड़ाई इन फिरंगियों के क्रूर मानसिकता से है। रॉन बांकुरा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ तो है, लेकिन उसने मुझे बहुत हरास किया है। ये सब उसकी वजह से है। हमारा पूर्ण जीवन हमारी धरती माँ के लिए समर्पित है, और जब तक हम जीवित रहेंगे समर्पित रहेगा। अब हमारा लक्ष्य केवल बैरकपुर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।